दोस्तों, आपका स्वागत है किसान बागवान चैनल पे। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे दोस्तों। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो हमारे पशु होते हैं उनकी जेर जो होती है, ब्याने के बाद जो जेर निकलती है, उसे निकलने में बहुत से किसान भाइयों के प्रॉब्लम आ जाती है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको उसके बारे में बताएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो को अंत तक देखे ताकि जो नुस्खा है वो आपसे मिस ना हो जाए, किस तरह से उसे देना है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो अब बात कर लेते हैं किस तरह से हम पशु से जेर निकाल सकते हैं। वैसे दोस्तों जो ये पशु के ब्याने के 2 से 12 घंटे के अंदर जेर अपने आप निकल जाती है, लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि जो हमारे पशु है उनके जेर या तो निकलते ही नहीं या बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है जेर निकलने में। तो दोस्तों आज हम आपको एक पक्का घरेलू नुस्खा बताएंगे जिससे जो जेर है वो 100% निकल जाएगी आपके पशु से। तो इसके लिए जो आपको सामग्री चाहिए वो आपको चाहिए दोस्तों मूली 1 नग, भिंडी 2 किलो, गुड़ और नमक आवश्यकता अनुसार आप थोड़ा ले सकते हैं। तो जब पशु के बच्चा हो जाता है दोस्तों ब्याने के बाद, तो आप क्या करें, अपने पशु को 2 घंटे के अंदर जो मूली के छोटे छोटे टुकड़े करके मूली को आप पशु को दे दे, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दे और पशु को खिला दे। इससे आपके जो पशु है उसकी जेर निकलने में काफ़ी मदद होती है और जेर निकल जाती है दोस्तों। अगर इस उपाय करने के 8 घंटे के अंदर आपके जो पशु है उसकी जेर ना निकले, कई बार ऐसा हो जाता है फिर भी नहीं निकलती, वो कहीं फंसी हुई है, तो दोस्तों आपको क्या करना है कि भिंडी के 2-3 टुकड़े, एक भिंडी को 2-3 टुकड़ों में काट ले और उसमें थोड़ा गुड़ थोड़ा नमक डालकर अपने पशु को खिला देना है आपको। इसके 2-3-4 घंटे बाद आपके पशु की जेर पक्का निकल जाएगी। और दोस्तों अगर आपके पशु को इस नुस्खे से फ़ायदा होता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।